अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह तमाम लोगों को खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी के हलवे की डिलीशियस रेसिपी। तो ये मैंने बनाया है दानेदार हलवा। तो आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, अगर आप भी ऐसा दानेदार हलवा बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रहीम, सबसे पहले एक पतीली ले लेंगे हम और उसके अंदर हम डालेंगे घी। तो आपने एक पाव सूजी का मैं हलवा रेडी करने लगी हूँ तो इसमें तकरीबन एक पाव ही घी डालना है, क्योंकि इसमें घी निकला हुआ बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये एक पाव घी डाल दिया मैंने। इधर ये मेल्ट हो रहा है, तब तक मैं इसके अंदर ये चार इलायचियाँ हैं इनके मैंने मुंह ओपन कर दिए थोड़े थोड़े नीचे से, ये डाल दूँगी। देखें इलायचियों पर कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर ये हमारे पास एक पाव सूजी है, एक प्याली सूजी, ये इसमें डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनना है। हमने तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनना वरना इस पे कलर तो आ जाएगा लेकिन जो खुशबू और जायका हमें चाहिए वो हासिल नहीं होगा। तो इसको हमने तकरीबन आधे घंटे तक बिल्कुल हल्की आंच पर, जो दम वाली होती है इस तरीके की आंच पर भूनना है। तो इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज मैं आपको बिल्कुल दानेदार हलवा बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि लोग हलवा बनाते हैं तो वो बिल्कुल मलीदा टाइप बन जाता है, दानेदार नहीं बनता। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हलवे में दाना किस तरीके से आता है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये देखें इसको भुनते हुए आधा घंटा हो गया है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है लेकिन ये अच्छी तरह भुन गई है। दम वाली आंच से थोड़ी सी ऊपर आंच करके मैंने इसको भुना है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। जिस टाइम खुशबू आने लग जाए तो उस टाइम आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। एक कप मैंने एक प्याली सूजी ली थी तो एक ही प्याली में चीनी ले रही हूँ और इसमें ऐड करें चीनी और मिक्स करें। इसमें आपने चीनी को ऐड करके और फौरन पानी ऐड नहीं करना है, चीनी को इसके साथ में थोड़ा सा आपने पकाना है। तो ये देखें चीनी इसके साथ में हल होना शुरू हुई है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, पानी का तनासुब आपने बिल्कुल सही रखना है तो इंशाल्लाह आपका हलवा बहुत अच्छा रेडी होगा। तो ये एक पाव सूजी है तो इसके अंदर सिर्फ आधा किलो पानी जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। इस टाइम आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम ही रखना है पानी डालने के बाद भी। और अब इसमें मैं ये फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज कलर। तो जैसा कलर आपको अच्छा लगता है आप उस कलर का हलवा बनाएं। वाइट पसंद है तो वाइट बना लें और येलो पसंद है तो येलो, और ऑरेंज अगर आपको पसंद है तो ऑरेंज बना लें। तो ये देखें आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, इससे दाना बहुत अच्छा आपका आएगा सूजी का। अगर आप तेज़ आँच कर देंगे तो वो बात नहीं आएगी। इस टाइम आप इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ किशमिश, किशमिश ऐड कर दें। अब इसके अंदर मैं डालूँगी केवड़ा वाटर, या आपने एक ढक्कन जो होता है केवड़ा वाटर के ऊपर वो ऐड कर लेना है और इसको यूँ हिलाएंगे। अब मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ थोड़े, और थोड़े मैं गार्निश के लिए बचाऊँगी। और आपको जो भी नट्स पसंद हो वो आप डाल लें इसके अंदर। इसको आप इसी तरीके से चम्मच चलाते रहें और पकाते रहें। तो ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हलवा हमारा रेडी हो गया है। इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे हैं पानी के साथ, क्योंकि मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया है, जिसकी वजह से एक एक दाना है इसका, ये देखें आप करीब से दिखाती हूँ, अलग है। ये देखें दानेदार हलवा बिल्कुल रेडी हुआ है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह पकाएं तो इंशाल्लाह आपका हलवा बहुत अच्छा रेडी होगा। थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन खाएंगे जब तो पता चलेगा कि कोई चीज़ बनी है। तो ये रेडी हो चुका है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।